वन्य जीव रक्षा दल ने एक साथ दो सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें जीवन दान दिया। ये दो ही सांप वन्य जीव रक्षा दल संगठनों को अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए थे, जिसमें एक सांप को टोहाना मुनक रोड पर गोदाम में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति के नाग थे। गोदाम में काम कर रहे मजदूरों ने जैसे ही बोरियां हटाई तो कोबरा सांप नजर आया। नाग ने फुफकार मारे तो हड़कंप मच गया। मजदूर बाहर भागे और सांप पकड़ने में एक्सपर्ट नवजोत सिंह ढिल्लो टीम को सूचना दी। टीम के सदस्य राहुल अरोड़ा और मिक्की मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद नाग को पकड़ा और एक सांप गुप्ता कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में 2 बजे के बीच पाए गए। इन सांपों में नाग कोबरा स्नेक और एक स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप पाया गया। उन्हें बाहर लाकर हवादार डब्बे में डाला गया, नाग को जंगल में छोड़ दिया। अगर आपको सांप काट ले तो आप सीधा के सीधा अस्पताल में पहुंचे, और क्योंकि इसका इलाज सिर्फ अस्पतालों में है। अगर आप झाड़ फूक वाले या किसी तांत्रिक के पास यानी कि जाएंगे अपना इलाज करने के लिए, वहां पर आपकी मृत्यु निश्चित है। अगर अस्पताल में पहुंचोगे वहां पर आपका इलाज होगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आपको सांप दिखाई भी देती है, कहीं भी दिखाई देता है, तो हमें फोन करें और हम उसको सुरक्षित पकड़कर जंगलों में छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, वन्य जीव रक्षक गौ रक्षा दल से। आज हमें एक सूचना मिली, मुनक रोड सिटी मैक्स अस्पताल के साथ लगता है एक गोडाउन है, वहां पर काफी सांप दिखाई दिए हैं। तो मैं और मेरी टीम वहां पर मौके पे पहुंचे। उस गोडाउन के बीच में काफी बारदाना पड़ा हुआ था, उसको बारदाने को हमने धीरे धीरे करके बाहर निकाला और लास्ट में हमें एक सांप दिखाई दिया, सेप्टिकल कोबरा, जिसको हमने सुरक्षित पकड़कर और सुरक्षित डब्बे के बीच में डाल दिया, जिसमें हमने डब्बे के बीच में भी छोटे छोटे यानी कि छेद किए हुए थे जिसमें वो सांस लेता रहे, और सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। कई बार ये सर्दियों में हमें सांप दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का सांप दिखाई देते हैं, नहीं तो ये 3-4 महीनों के लिए तो अपने ये बिलों में छुप जाते हैं। जब गर्मी आती है तो ये बाहर निकलते हैं अपने शिकार के लिए।